वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। आज हम क्लास टेंथ की साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट कर रखा है, हमने उसके 2 पार्ट्स कर चुके हैं। आज हम अपना 3rd पार्ट कर रहे हैं। इसमें हम अपने चैप्टर का एंड पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इससे रिलेटेड था। हमने अभी तक एसिड्स के बारे में जाना, सॉल्ट्स के बारे में जाना और बेस के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने पीएच स्केल के बारे में भी जान लिया। तो आज हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो पीएच है वो कैसे यूजफुल होता है। देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। जो प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है या फिर काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं, वो सभी पीएच सेंसिटिव होते हैं। पीएच सेंसिटिव का मतलब है कि उनके अंदर भी पीएच की रेंज होती है, उससे अगर ज़्यादा ऊपर की रेंज हो जाए तो भी उनको खतरा हो सकता है, या फिर उससे नीचे की रेंज हो जाए तो भी उनको खतरा हो सकता है। और ये सभी रेंज आपको याद रखनी है। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो हमेशा किस रेंज में काम करती है, 7 to 7.8 की रेंज में। जो हमारी बॉडी का पीएच लेवल है वो हमेशा इतने के बीच में ही रहता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो भी हमें नुकसान पहुँचेगा, और अगर इससे कम होगा तो भी हमें नुकसान पहुँचेगा। आगे है, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिडिक रेन। आपने कभी एसिडिक रेन के बारे में अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि एसिडिक रेन हमारे लिए कितनी हार्मफुल होती हैं। तो जो पीएच लेवल है रेन वाटर का, अगर वो 5.6 से नीचे, यानी कि लेस देन 5.6 हो जाता है, मतलब कि जो वो रेन है उसका लेवल, उसका पीएच लेवल जो है वो 5.6 से नीचे हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक रेन। ये बात आपको याद रखनी है। आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इन सभी रेंजेस के बारे में, तो इन छोटी छोटी बातों को आप याद रखिए। आगे है पीएच ऑफ सोइल। अब सोइल का पीएच, सोइल में पीएच होता है क्योंकि उसमें कितने सारे प्लांट्स लगे हुए होते हैं, साथ ही साथ उसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमने अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। तो सोइल सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे खाने पीने तक का जो भी कुछ है वो सब सोइल से ही तो चलता है। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक रेंज होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा या कम होगी तो उनको हार्म होगा। आगे चलते हैं। अब बात आती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर स्टमक प्रोड्यूस एचसीएल एसिड विच हेल्प्स इन डाइजेशन। अब आपने कभी सुना हो किसी बड़े से कि मुझे एसिडिटी बन गई है, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ एसिडिटी बन गई यानी कि उनको कुछ इरिटेशन फील होता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ लेते हैं, कुछ सॉल्यूशन आता है बाहर से जिसे हम डाइजिन भी बोलते हैं, फिर काफ़ी सारी कंपनीज का होता है वो, या फिर साथ ही साथ हम कुछ ऐसा बेस लेते हैं जिससे कि हमारे जो स्टमक है वो रिलीफ फील कर सके। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न आज आपको मिलेगा। क्योंकि जो हमारा पेट है, जो हमारा स्टमक है, वो एचसीएल एसिड जो है प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे खाने को पचाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ अजीब खा लेते हैं या फिर कुछ बाहर का खा लेते हैं जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता, तो जो एचसीएल एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है। और आपको पता है कि एचसीएल एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो उससे हमें बहुत नुकसान होता है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशंस भी होती हैं। ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन। जब जो हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता, तो जो हमारा स्टमक है वो बहुत ज़्यादा एसिड जो है प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से हमें क्या होता है, पेन होता है और इरिटेशन होता है। To get rid of this pain, people uses anti-acid mild base like milk of magnesia, MgOH2, to neutralize excess acid. अब जिनको ये एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो क्या करते हैं, उस टाइम पे उस पेन से रिलीफ पाने के लिए वो एंटी एसिड्स का यूज़ करते हैं, जिसमें माइल्ड बेस आ गया, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और मैं आपको बता दूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो वाटर में पूरी तरीके से सॉल्यूबल होता है।
और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने से हमें हमें एसिडिटी से भी रिलीफ मिलेगा और हमारे अंदर का जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हमारे दांतों की बात आएगी इसमें, जो पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डीके। अब जब पीएच जो है कभी कभार जब वो चेंज हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारे जो दांत हैं वो गलने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। कहते हैं ना कि दांतों में कीड़ा लग गया, तो वो ऐसे ही नहीं लगता है, उसका जो पीएच है वो चेंज हो जाता है अपने अपनी सही रेंज से। देखिए, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अब इसमें कहा गया है कि जब जो हमारे दांत हैं वो ख़राब होना कब स्टार्ट होते हैं, जब हमारे माउथ का जो पीएच लेवल है वो लो हो जाता है उसके 5.5 से। तो आपको अब पता चल गया कि जो हमारे दांत हैं वो ख़राब होते हैं तो किस कारण से होते हैं। लेकिन अब जब ख़राब हो जाते हैं तो उनको हम उनसे बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी एसिड की वजह से ही हो रहा है। तो अगर एसिड की वजह से हो रहा है तो हमें उसके लिए बेस लेना पड़ेगा, और बेस के लिए इसीलिए तो सब बोलते हैं कि हमें जो जो हमें ब्रश है वो सुबह और रात को दोनों टाइम करनी चाहिए। देखिए, टूथ एनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी। जो हमारे दांत होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए होते हैं और हमारी बॉडी के सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वही। डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट कोरिडेड व्हेन पीएच इज लोअर देन 5.5 ड्यू टू एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारे दांत हैं वो बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो पानी में तो डिजॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन वो कोरिडेड यानी कि वो ख़राब ज़रूर हो सकते हैं। आपने कोरिजन भी पढ़ा होगा, और कोरिजन में कोरिडेड वर्ड भी आता है, वो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसे देखिए, वो आपके लिए बहुत आपका कहते हैं ना केमिस्ट्री का बेस है वो चैप्टर। अगर आप वो नहीं देखेंगे, आप वो नहीं सीख पाएंगे, तो फिर आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होंगी। तो जब हमारे दांत जो हैं वो कोरिडेड हो जाते हैं किसकी वजह से, जब पीएच है वो लोअर देन 5.5 हो जाता है, जब जो हमारी दांतों का पीएच है वो 5.5 से नीचे चला जाता है, तो उनमें वो एसिड्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। किसके कारण, हमारे जो फूड पार्टिकल्स, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद जो फूड पार्टिकल्स हैं वो डिग्रेडेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, इस वजह से जो हमारे दांत हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए हमें खाने के बाद रात को कुछ टाइम बाद हमें ब्रश करके सोना चाहिए, और सुबह उठने के बाद भी हमें ब्रश करना चाहिए। Using toothpaste generally basic tooth decay can be prevented. अब इसमें कहा गया है कि हम जो बात मैंने बोली सेम वही कि हमें toothpaste का यूज़ करना चाहिए जो कि नेचर उसका कैसा होता है, बेसिक होता है। अगर हम toothpaste यूज़ करेंगे तो हमें हमारे जो दांत हैं वो ख़राब होने से हम उनको बचा सकते हैं। आगे चलते हैं, ये तो बात हुई हमारे pH, हमारे डे टू डे लाइफ की। साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें हमें हर चीज़ का रीज़न मिलता है जो हमारे साथ होता है। तो इसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और चीज़ है यहाँ पे पीएच की, वो है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरीटेशन, यूज़ ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। अब आपको कभी मधुमक्खी ने काटा हो तो आपको, अगर काटा हो तो आपको पता होगा कि उसमें कितना ज़्यादा पेन होता है। जो मधुमक्खी होती है वो भी क्या करती है, एसिड प्रोड्यूस करती है, और जहाँ वो काटती है इसीलिए वहाँ पे पेन पेन और इरिटेशन होना शुरू हो जाता है उस एरिया पे। तो उससे बचाव के लिए, अगर वो काट ले तो उससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेस, माइल्ड बेस का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगर हम उस एरिया पे लगा लेंगे जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा है तो उससे हमें रिलीफ फील होगा और पेन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स का पीएच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसका पीएच क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि 7। और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, इसका जो पीएच है वो एसिडिक सॉल्ट होगा। ये हमने पहले पढ़ा था पहले वाले पार्ट में, लेकिन इसका जो पीएच है अगर वो एसिडिक सॉल्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो 7 से छोटा होगा।
और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, आप देख लीजिए. NaCl जो कि न्यूट्रल सॉल्ट का है और एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल है NH4Cl. उसके बाद है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड. अब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा बेसिक सॉल्ट, और वो होगा उसका पीएच जो है वो होगा 7 से ज़्यादा. और यहाँ पे उसका एग्जांपल है CH3CONa. आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी जिसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा. अब है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट NaCl. अब जो कॉमन सॉल्ट है वो केमिकल्स कैसे बनाते हैं, जैसे कि आपने बेकिंग सोडा देखा, ये सब कैसे बनते हैं आज हम ये जानेंगे. तो है ना साइंस इंटरेस्टिंग. अब देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जानेंगे सबसे पहले, फिर जानेंगे ब्लीचिंग पाउडर, फिर बेकिंग सोडा, फिर वॉशिंग सोडा, और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP. POP आपने सुना होगा नाम, आगे बात करते हैं. पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH ये कैसे बनता है मैं आपको पहले शॉर्ट में समझाती हूँ. इसमें क्या होता है, हम जो सॉल्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl, उसमें हम वाटर को प्लस करके उसको ब्राइन बना लेते हैं, उसको हम ब्राइन कहते हैं. और फिर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही पास कराते हैं उनको तोड़ने के लिए, तो वो टूटने के बाद क्या देता है हमें, NaOH plus Cl2 plus H2. ये सभी वो ये चीज़ें वो हमें प्रोडक्ट के तौर पर दे देता है, और उससे हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब देखते हैं यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ब्राइन, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH. अब यहाँ पे सेम बात कही गई है जो मैंने आपको बताया कि पहले हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं एक एक्वस सॉल्यूशन में जिसे हम ब्राइन कहते हैं. ब्राइन मैंने आपको बता ही दिया वो कैसे बनता है, NaCl plus H2O, उसमें वाटर को हम प्लस करते हैं तो हमारा ब्राइन जो सॉल्यूशन है वो बन जाता है. और फिर उसके बाद जब ये टूटता है, किस प्रोसेस से टूटता है ये बात जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर नंबर 1 में, आपने पढ़ा होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के किस टाइप से जो है ये बना है यहाँ पे टूटकर. आगे हम एक डायग्राम के हेल्प से समझेंगे कि एक्चुअली में ये होता है, क्योंकि जब हम डायग्राम को देखकर समझते हैं तो हमें और भी अच्छे से समझ में आता है. यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है, इसमें हमें ज़्यादा बातों को ध्यान में नहीं रखना है. जो ये सब है ये आपके काम का नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये ओनली आपके नॉलेज के लिए, बस आपको समझना है अच्छे से. यहाँ पे देखिए एक साइड हमने लिया एनोड और एक साइड हमने लिया कैटोड. एनोड तो होता है हमारा प्लस के साइन का और कैटोड होता है हमारा माइनस के साइन का. उसके बाद हमने क्या किया, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन को डाला जो कैसे बना था NaCl में वाटर को ऐड करने से, और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया तो वो टूट कर किस में चेंज हो गया, NaOH प्लस Cl2 प्लस में H2 हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिल गया. ये बात यहाँ से क्लियर हो गई डायग्राम देखने से भी. ये दोनों एनोड है कैटोड है, यहाँ पे देखिए इस साइड ये बन के तैयार हो गया, यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन डालते हुए दिखा रहे हैं. आगे चलते हैं, ये यहाँ पर इसकी केमिकल इक्वेशन भी मैंने आपको दिखाई है, देखिए 2NaCl plus 2H2O. जब हम ब्राइन सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमें NaCl और वाटर चाहिए. उसके बाद हम क्या करेंगे, जब वो हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो उसके बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, और इसमें हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन. अब हम इनके यूजेस देखेंगे कि जो इनके इस्तेमाल है वो कैसे कैसे और कहाँ कहाँ होता है. अब यूजेस में है, सबसे पहले हमें देखना है कि हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ पर होता है जो हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिला है. इसका यूज़ होता है फ्यूल्स में और मार्जरीन में. मार्जरीन यानी कि खाने की चीज़ होती है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है. उसके बाद है आगे Cl2. अब Cl2 का यूज़ कहाँ पर होता है, यानी कि क्लोरीन का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट, जो वाटर की सफाई यानी कि पानी का जो ट्रीटमेंट करता है, जो सफाई जो देखभाल करते हैं उसमें होता है. PVC और CFC में होता है. आगे चलते हैं, फिर जो HCl है उसका यूज़ होता है क्लीनिंग स्टील्स और मेडिसिंस में. फिर NaOH जो हमारी मेन चीज़ है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड,
वो होता है डिग्रीजिंग मेटल्स सॉप्स एंड पेपर मेकिंग। डिग्रीजिंग मेटल्स यानी कि जो मेटल्स को ग्रीस करते हैं, दोबारा से ग्रीस करना, उसमें इसका यूज़ होता है। साथ ही साथ सॉप बनाने में और पेपर जो कागज़ पे आप लिखते हैं वो बनाने में भी इसका यूज़ होता है। अब जो Cl2 है प्लस NaOH, इन दोनों को प्लस करके इनका यूज़ कहाँ पर होता है, इससे बनता है ब्लीच। और वो कहाँ पर यूज़ होता है, हाउस होल्ड ब्लीचेज में और ब्लीचिंग फैब्रिक्स में, घरों में यूज़ होता है और फैब्रिक्स जब बनते हैं उनको ब्लीचिंग करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। आगे पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसे बनता है, इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। अब जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसे बनता है, उसमें जो क्लोरीन है वो जब एक्शन करता है जो सूखे स्लेक लाइम पर, तब ये प्रोड्यूस्ड होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, CaOCl2, और इसकी केमिकल इक्वेशन है Cl2 प्लस CaOH2 इक्वल टू में, मतलब प्रोडक्ट के तौर पर हमें देगा CaOCl2 प्लस वाटर। और इसका यूज़ कहाँ होता है, ये यूजेस जो है ये आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं समझ के अच्छे से, क्योंकि इनमें से किसी एक का यूज़ ज़रूर पूछा जाता है पेपर में आपको। मैं जितने भी करा रही हूँ ये सभी आपको याद करने, और ये कैसे बने हैं, ये छोटी छोटी लाइंस जो मैंने लिखी हैं आप इन्हें याद कर लीजिए, आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसमें ये भी लिख के आएंगे, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता इससे रिलेटेड है और अगर आप उसमें ये लिख के आते हैं तो टीचर आपको 3 नंबर में 1 नंबर तो ज़रूर दे देगी। अब यूजेस की बात करते हैं। यूजेस में पहला यूज़ कहाँ पर होता है इसका, ब्लीचिंग कॉटन एंड लैनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे इसका यूज़ होता है कॉटन को ब्लीच करने में। उसके बाद है ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज़। जो वुड, अब आप सभी को पता है कि जो पेपर है जिस पे आप लिखते हैं वो लकड़ी से बनता है, तो ये वुड यानी कि लकड़ी को ब्लीच करने के लिए पेपर फैक्ट्रीज़ में काम आता है। उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है ये भी आपको पता होगा, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो दोबारा देख लीजिए, मैं बोल रही हूँ वो चैप्टर आपका हर चैप्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो यूज़ होगा, क्योंकि वो केमिस्ट्री का बेस है। अगर आप वो नहीं समझोगे तो आपको आगे के चैप्टर समझने में मुश्किल होगी। उसके बाद है डिसइनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। डिसइनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर है कि जो ख़राब पानी है उसको साफ़ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। आगे पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो आप सभी ने सुना है, जिसको हम खाने का सोडा ही बोलते हैं, मीठा सोडा ही बोलते हैं, जिसको हम अपने घरों में यूज़ करते हैं केक बनाने के लिए, ब्रेड्स बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए। तो देखते हैं उसके बारे में। अब बेकिंग सोडा है, अब बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका पूरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। इन सभी को जब हम रिएक्शन कराते हैं इनका मिलाकर, तो हमें प्रोडक्ट में ये देते हैं NH4Cl प्लस NaHCO3। जो ये है ये तो हमें मिल गया बेकिंग सोडा यहाँ से। अब ये आखिरकार होता क्या है, इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। अब माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस का मतलब है कि एक ऐसा बेस है कभी भी कोरोडेड नहीं होगा। कोरोडेड का मतलब आपको पता होगा, चैप्टर 1 में पढ़ा है। कोरोजन मतलब कि वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, हाइड्रेटेड ऑक्साइड की कोई भी लेयर इस पे कभी नहीं आएगी, ऐसा बेस होता है। उसके बाद है व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब ये कुकिंग के टाइम पर हीट किया जाता है तो ये किस में टूट जाता है, ये देखिए यहाँ पे जब इसको हीट करेंगे, इस जो ये ट्रायंगल का साइन आपको यहाँ पर दिख रहा है ये हीट का साइन होता है। जब इसको हम हीट करेंगे तो ये टूटेगा, Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें यहाँ से ही मिल जाएगा। अब इसके यूजेस की बात आते हैं। यूजेस इनके बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये ज़रूर याद रखने हैं। इसका फर्स्ट यूज़ है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग सोडा है उसको हम यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टैट्रिक एसिड। जो बेकिंग पाउडर होता है किसका मिक्सचर होता है, बेकिंग सोडा और टैट्रिक एसिड का। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विद वाटर, CO2 इज प्रोड्यूस्ड विच कॉजेज ब्रेड एंड केक टू राइज, मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पंजी। जब हम
बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं, उस बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करते हैं या फिर वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ही क्या होता है, जो हमारे ब्रेड और जो हमारे केक होते हैं वो फूलते हैं और काफ़ी स्पंजी और सॉफ्ट बनते हैं। उसके बाद है एन इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड, जो ये बेकिंग सोडा है, ये इंग्रेडिएंट होता है एंटा एसिड बनाने में, यूज्ड इन सोडा एसिड्स फायर एक्सटिंग्यूशर्स। और जो ये बेकिंग सोडा है इसको हम यूज़ करते हैं सोडा एसिड्स बनाने में और फायर एक्सटिंग्यूशर्स में। आगे चलते हैं वॉशिंग सोडा की तरफ। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है देखते हैं। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O और ये बनता है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट। जो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है तब सोडियम कार्बोनेट का, तब हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। अब रिक्रिस्टलाइजेशन होता है मतलब कि दोबारा से क्रिस्टल उसके बनना, उसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और उसी की मदद से हमें क्या मिलता है, रिक्रिस्टलाइजेशन, जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा, और इसको हम बेसिक सॉल्ट भी बोलते हैं। और इसका जो केमिकल इक्वेशन है वो है Na2CO3+10H2O और फिर हमको मिलेगा Na2CO3.10H2O। इसमें जो वाटर है उसके 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। आगे पढ़ेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इन सबको क्या कहते हैं, आगे पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में बिल्कुल। फिर इसके यूजेस देख लीजिए। पहला यूज है इसका इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। जो ये वॉशिंग सोडा है ये ग्लास बनाने में, सॉप्स बनाने में और पेपर बनाने में उनकी इंडस्ट्री में बहुत हेल्पफुल है, बहुत यूजफुल है। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने में भी इसका हाथ है। उसके बाद है क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, घरों में या फिर बाहर कहीं पे भी जहाँ पे साफ सफाई करनी है उसके लिए क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और ये पानी में से उसकी जो हार्डनेस होती है वो उसको परमानेंटली हटा देता है। आगे चलते हैं, आगे आएगा POP। POP यानी प्लास्टर ऑफ पैरिस। प्लास्टर ऑफ पैरिस, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो आपने कभी देखा होगा कि जब हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर हमें एक वाइट कलर की पट्टी बांधते हैं, उसको हम प्लास्टर बोलते हैं आम भाषा में। लेकिन वो किससे बना हुआ होता है, प्लास्टर ऑफ पैरिस यानी कि POP से। और दूसरी बात, ये काफ़ी सारे खिलौने बनाने में भी काम आता है। और आपके जो घर के ऊपर की जो रूफ़ होती है उस पर जब आप POP कराते हैं, POP यानी कि कुछ डेकोरेशंस, कुछ ड्राइंग कराते हैं, उसमें भी यही यूज़ होता है। और इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब है कि इसमें वाटर का हाफ मोलिक्यूल है, CaSO4.5H2O, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है ऑन हीटिंग जिप्सम, CaSO4.2H2O। अब जिप्सम क्या होता है, सीमेंट होती है उसमें जिप्सम होता है, और जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो उसका जो वाटर का 1.5 मॉलिक्यूल है वो उड़ जाता है और हाफ मॉलिक्यूल रह जाता है, और उसको हम कहते हैं POP। और इसको हम हीट करते कितने केल्विन पर, 373 केल्विन पर हम इसको हीट करते हैं, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पैरिस यानी कि POP। और जब इसका जो पानी है वो उड़ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पैरिस POP। इट इज़ अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। और एक और खासियत है इसकी, ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है और अगर हम इसको पानी में दोबारा से मिलाएंगे तो ये दोबारा से किस में चेंज हो जाएगा, जिप्सम में, क्योंकि पानी ही तो उड़ा था, अगर पानी दोबारा डलेगा तो दोबारा जिप्सम बन जाएगा। और इसकी केमिकल इक्वेशन है यहाँ पे, जिप्सम की केमिकल इक्वेशन CaSO4.5H2O+1.5H2O। तो हमें जब इसका रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, CaSO4.2H2O। यहाँ तक बात आई समझ में, इसके आगे इसके यूजेस देखते हैं। डॉक्टर्स यूज POP फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन। जो डॉक्टर है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब वो फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट देने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्लास्टर बांधने में जब हाथ पैर में चोट लग जाती है या वो फ्रैक्चर बोन हो जाती है तो डॉक्टर POP का ही यूज़ करते हैं हमारी बोन को सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद दूसरा इसका जो
यूज़ है वो है फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेशन, ये खिलौने बनाने में भी यूज़ होता है, और डेकोरेशन जो मैंने आपको बताया था रूफ्स में हम जब कराते हैं उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, और ये सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है। आगे पढ़ते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो समझेंगे, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बहुत ईजी है। इट इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो ऐसा एक फिक्स्ड नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का जो प्रेजेंट होता है किसके फॉर्मूले में, सॉल्ट के। उसके एग्जांपल्स हैं CuSO4.5H2O, इसमें जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बाद है Na2CO3.10H2O, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लास्ट है CaSO4.2H2O हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे होता है गाइस आपका चैप्टर ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।